सही है जा, पहले तई तू केगी ताकि सब्जी खवा देंगे, पहले सही है जा, आई समझ में। मम्मी अल्लाह आ रहा हूँ यही, क्या कर रहे हो, कपड़ा धो रहे हो? ये कपड़ा धोए गए? धो ले। अम्मा ने दो दिन में सिखाया तो कपड़ा धो। मम्मी की तबीयत खराब है ये, अब धो ले, सुखा भी डाल दे हैं, अब नहा लो। योगेश पढ़ रहा है अभी। हेलो दोस्तों, राम राम, और सब कैसे हो? आपको तो पता है सोनी की तबीयत थोड़ी अभी ख़राब है, अभी मैं गया था डॉक्टर के पास, वहीं से डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ, तो अभी तो मैं भी आ रहा हूँ, उल्टी बंद हो गई, दस्त भी बंद हो गए, और अभी थोड़ा इसको आलस सा लग रहा है अंदर से, यानी वो शक्ति नहीं है अंदर, चुस्ती फुर्ती नहीं आ रही है, आलस सा लग रहा था, तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि अभी सब सही हो जाएगा, थोड़ी धूप होगी तो बोतल वगैरह लगा देंगे, अभी नहीं लगाएंगे, अभी थोड़ा बादल ऐसा मौसम हो रहा है, बारिश का जैसा मौसम हो रहा है, तो अभी नहीं लगाया कुछ। तो क्या लग रही है ते काम का लेके आवे खाएगा ये बता? कच्ची लिया चटपटा। डॉक्टर साहब ने मना बोला है कि इसको चिकना और चटपटा आइटम नहीं देना है, थोड़ा दिन ना दे जाना, और ये बोल रही है मेरे को चटपटा दे दो, तो चिकना ही की एक दो दिन की गई मन है, परहेज कर लो है। कितने साग से सही हो जाएगी? इतना तो सही है, इतने साग से सही हो जाएगी, ये इतना चटपटा खिला दें सही हो जाएगी। ठीक है, देखता हूँ इतना सा खिला के। तो सोनी को भी घर पे छोड़ दिया है, और मैं चल रहा हूँ कुछ राशन पानी लेकर आएंगे, साग सब्जी और राशन भी लेके आना है, आज गेहूँ बट रहे हैं शायद, देखता हूँ मैं। तो अभी दुकान पे है, उधर से हम राशन लेंगे अपना, लिया है अभी, ये चलते हैं घर पे, ये 20 किलो राशन मिलता है अभी। तो अभी सोनी के लिए इधर जूस निकलवा लेता हूँ, मौसम्मी का, तो मौसम्मी का जूस लेके जाऊँगा, देखते हैं पेट में थोड़ा राहत मिलेगा जूस से। तो उसको अभी गेहूँ ले आए, अभी इसमें साग सब्जी है, देखो अम्मा में डलिया लेके आए, दाल सब्जी में लौकी लेके आया, लौकी लौकी आ रहा है बरेमा, और हरी मिर्ची, टमाटर और धनिया, और देखो डलिया, ये वाली डलिया लेकर आए, देखो ये डलिया, और पपीता सोनी के भाई, और जूस, और खीरा, इलेक्ट्रिक पाउडर, थोड़े दस्त हो गए थे ना तो इलेक्ट्रिक पाउडर लेके आया। और सोनी क्या हाल है? साग की डॉक्टर ने नहीं कहते ये ढाबे नहीं, हाँ जूस पी लेते, जूस बनवा के लाए मौसम्मी को, ले देख दूध कर रहा है, एक ग्लास 40 रुपए का मिल रहा है हमारे यहाँ पे अभी। साथ अभी मना कर दे डॉक्टर, जूस पी पी ले, हाँ कि नीचे देख देख। अच्छा लग रहा हो ना, ले रहा हूँ कैसा कर, एक और मेरा भी कड़वा लग रहा है जी, पी ले आला मुंह डाल दिया, तो वो पी लियो, इलेक्ट्रिक पावर कहाँ है? कौन सी गोरा जी ने मैं बता, अरे काटियो मत, नहीं खराब है यार, देख लो दोस्तों कितने नखरे हैं इसके। सही है जा, पहले तई तू केगी ताकि सब्जी खवा देंगे, पहले सही है जा, आई समझ में। तो इसको साग की बीमारी लग गई, साग चाहिए इसको, साग मांग रही है, हाँ काई की सब्जी चाहिए, चाहे कचौकी है, मुर्गा ले आओ, सब्जी चाहिए बस इसको, सब्जी इस समय बोल रही है कि मेरे को कैसी भी ला दो, लेकिन चटपटी एकदम चुरपुरी सब्जी चाहिए, चटपटी चटाकेदार, और डॉक्टर ने मना बोला है, आप बताओ क्या करूँ मैं। अभी फिलहाल तो मैं इसके लिए पपीता काट रहा हूँ, इसी में काला नमक डाल के इसको चटपटा बना दूंगा, इसी को खा लेना। फूल बनाऊँ देखा, फूल बढ़िया सा है,
खावे को तो पेट में ही सब तय फूल बना ले। ये लो फूल खा ले। दोस्तों ये गेहूं लेकर आया था ना मैं, ये थोड़े ऐसा लग रहा था गीला गीला सा। अब सोनी की तबीयत खराब है, नहीं तो सोनी कर लेती है सभी कामों को, अभी तो अपने को ही करने पड़ रहे हैं सब काम। अभी मम्मी सोनी क्या कर रही, कैसी तबीयत लग रही है अब सोनी? अब तो नेक सही लग रहा हो आप? बढ़िया, चलो बढ़िया होनी चाहिए। आपका सब्जी बन रही है तो लौकी तो रही है, लौकी आलू। दोस्तों आपके जो आज की वीडियो में जो कमेंट आए थे ना, उनसे उन कमेंटों को पढ़कर सोनी सुनकर एकदम सही हो गई। इसको बहुत हिम्मत हौसला मिला कि इतने चाहने वाले हैं, इतने सारे कमेंट आए और सबने अपनी अपनी राह दी और बहुत सारे लोगों ने भी ये भी हाँ आप सबकी दुआ से अभी आराम है। बहुत सारे कमेंटों में बोल रहे थे कि सोनी की सोनोग्राफी करवा दीजिए, सोनोग्राफी से पता चल जाएगा और स्टोन हो सकता है, पथरी हो सकती है, पटेरे हो सकते हैं, बहुत सारे कमेंट थे। अब सोनोग्राफी का क्या है कि दोस्तों हमारे यहाँ पे पता नहीं, मेरी समझ में तो नहीं आता, हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की और जांच वगैरह तो कहीं कोई कर ही नहीं रहा है। जितनी भी सोनोग्राफी, खून की जाँच, ब्लड जाँच, यूरिन जाँच, सब जितनी जाँच है सब जाँच बंद, कोई भी एक भी जांच करने वाली लैब में कोई भी नहीं मिल रहा है इस समय, और डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन आप सबकी दुआ है, अभी अभी देख सकते हो कितना आराम है, बस ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखना। और अभी सोनी देखो सब्जी बनाने की तैयारी कर रही है, साथ में धनिया काटने लगी अभी, देख लेटे लेटे परेशान है भाई, बोल रही थी अब मैं कुछ हाथ पैर चला रही तो मेरा शरीर थोड़ा हल्का हो जाए, इसीलिए बैठ गई है मम्मी के साथ में। मम्मी ने आलू लौकी वगैरह सब कटिंग कर। दोस्तों बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आएंगे हमारे जो देखने वाले चाहने वाले हैं कि आप हो कहाँ पे, जहाँ पे डॉक्टर की हड़ताल चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं राजस्थान में धौलपुर जिला पड़ता है, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ इस समय और मैं वहीं पर हूँ। धौलपुर से 5-6 किलोमीटर चल के ये गाँव है, वहीं पर हम लोग रहते हैं, तो आपको लोकेशन पता चल गया, तो आप अगर विश्वास नहीं तो सर्च भी कर सकते हैं, न्यूज़ भी काफ़ी चल रही है। विवेक पानी भर रहा है ड्रम में, है विवेक? और देखो विवेक ने आज क्या बनाया, ये भगोनी, ये रोटी बनाने के लिए जब शादी होगी तो पहले ही तैयारी कर लिया उसने। और इधर हमारी मम्मी ने पूरा सब्जी बनाने का इधर अटरम शटरम सब रख लिया है, मसाले वगैरह, बस आँच जलाएंगे अभी और रोटी बनाएंगे। शाम का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो सूर्यदेव डूब रहा है, चांद जा रहे हैं अभी। हैं वहीं ने सूट पहना है, जब से ही तबीयत खराब हो गई, शायद इसको नज़र लग गई है। हमारे गेहूं भी सूख चुके हैं गाइस, अभी इनको इकट्ठा कर लेंगे। इधर योगेश गेहूं इकट्ठे कर रहा है, विवेक उधर पानी भर रहा है। दोस्तों हल्की सी पेट में दर्द और सूजन सी बता रही है सोनी अभी, तो हमारी मम्मी क्या है कि देसी इलाज करेंगी, अभी अंग्रेजी भी चल रहा है अब देसी करेंगे। तो मैं लेने जा रहा हूँ अंडों का के पत्ता, वो जो बताया हमारी मम्मी ने, वही तोड़ कर लाता हूँ। अभी हम तोड़ेंगे दोस्तों यहाँ से नरम नरम ये अंडी के पत्ता, तो ये सोनी के पेट पे बांधने के काम में आएंगे, ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे। अभी हमारी मम्मी ने सब्जी चौंक दी और मैंने ये पत्ते नहीं मान रहा है, और देखो चल भी नहीं रहा है, हाथों से चलना फिर भी चलाने बैठ गई है। हाँ टूट गए हैं तो सही है, जान दे एकदम, तब करिए काम दद्दे भाई। वैसे भी खाना पीना सबका हो गया, मम्मी बासन मांज रही है और इधर देखो मेरी अम्मा बैठी है सोनी के पास, सोनी का स्वाद देखो, खीरा कटिंग कर रही है, नमक डाल, अब इसके मन चल रहे हैं थोड़े, लेकिन अभी पेट में दर्द है हल्का हल्का, फिर भी नॉन मन दर्द पापा का,
रात के 12 बज रहे हैं, दवाई को ध्यान ना नेक हुआ तो ना टाइम से दवाई पी ले हैं। अच्छी ना लगा सबन ना अच्छी लगते हैं शौक लगा तो वो करने से दवाई खावे टाइम दे हम ढक्कन बस दोस्तों मेरे को नींद आ गई खाना खाते ही, बहुत तेज नींद आई और मैं सो गया। मैंने अभी एडिटिंग भी नहीं कर पाई, पूरा काम भी नहीं किया और जब भी मेरी आँख खुलती है 12 बजे तो इस समय देखो 12:15 हो गया। और जब मैंने पूछा कि दवा खा ली, बोलती है अभी नहीं खाई। और वही तो जब सामने बैठ के दवा खिला दो तो खिला दो, अब वो भूल गए तो भूल गए, अब ऐसे नहीं खाएगी, टाइम नहीं दी, ध्यान नहीं देगी, कैसे सही होगी। और अभी देखो जब मुँह दिखाओ ना तो कितनी शरीफ बनेगी, फिर समझने अच्छी लगते हैं हम जो टाइम पे दवा खाते हैं उनको सबको अच्छी लगती है। विवेक सो गया, योगेश सो गया, सब सो रहे हैं मस्त, कैसे मुंह फाड़ के सो रहा है ना, टड़ी है रे सीधी करे सो ऐसे। और की हाल है, बढ़िया दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, गुड नाइट दोस्तों, बाय।